दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टोमानी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं शाम के समाचारों में आज 15 जुलाई सन। दोस्तों पिछले दो दिन हम किसी मेरी तबीयत नासाज होने की वजह से आपसे मैं रूबरू नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए मंडे टू सैटरडे हर रोज आपके लिए हम लोग शोला हैं। तो दोस्तों शाम के समाचारों में हर रोज की तरह होंगे कुछ विशेष समाचार, साथ साथ बात होगी आपकी भविष्यफल की। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीरे के ऊपर। जीरे पे आपको याद होगा, जीरे पे हमने लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण दिए थे और जीरा मीट 2023 जो कि ऊंझा में 8 और 9 जुलाई को हुई थी, वहां पे भी हमारा जो संबोधन है आपने ध्यान से सुना होगा उम्मीद है। गौरतलब है कि सर्वाधिक एक्टिव अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जीरे वायदे का 14 जुलाई को गिरकर 57,290 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है, जो कि 13 जुलाई से लगभग 1% कम था। इससे पूर्व 11 जुलाई को जीरे का वायदा 60,450 रुपए के प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा था और उसके बाद ये गिरावट आ रही है। दोस्तों इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि जो गुजरात में का जो अहमदाबाद के पास में ऊंझा है जो कि जीरे की सबसे बड़ी मंडियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पे इसका हाजिर भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल गिरने के समाचार हैं और वहाँ भी 58,550 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों जीरे की मांग इन दिनों कुछ कमजोर हो रही है और आवक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। गुजरात में मौसम में बरसात से के लिए इसकी स्थिति अनुकूल है और जिसका साइकोलॉजिकल असर बाजारों पर देखा गया है। गौरतलब है जीरा रबी सीजन होता है और इसकी बिजाई अक्टूबर से नवंबर में होती है। यदि मानसून आगे भी मजबूत रहता है कि पिछले सप्ताह जीरे के दामों में तेजी इसलिए भी एक मानी गई थी कि अत्यंत भारी बरसात के कारण गुजरात में जीरे की आवक काफी प्रभावित हो गई थी और सौराष्ट्र और कच्छ में अच्छी बारिश हुई थी, मगर अब मौसम साफ हो गया है जिसके लिए आवक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों ये थी जीरे के ऊपर एक विशेष अपडेट और विशेष महत्वपूर्ण ये भी रहता है कि जो टाइमली आपने प्रॉफिट बुक किया कर होता है या लगातार उसमें तेजी या मंदी की स्थिति रहती है, उसमें महत्वपूर्ण यही रहता है कि आप टाइमली हर चीज करें। कहा जाता जीरे की जो मीट में भी हमने यही कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भाव निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन जब कोई भी कमोडिटी अपनी डिमांड से और उसके प्राइसिंग के अंदर यदि अत्यधिक हो जाती है तो फिर एक बड़ी परेशानी होती है कि फिर डिमांड एंड सप्लाई का रोल नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये भी रहता है, आप देखिए कि अगले 3 महीने के अंदर क्योंकि चाइना का जीरा, ये चाइना की फसल इस बार बहुत शानदार आई है और इस शानदार फसल की वजह से चाइना का जीरे की एक्सपोर्ट यानी भारत चाइना को एक्सपोर्ट जीरे का अगले 1 या 2 महीने में संभवतः बिल्कुल कम करें या ना हो। और खबर तो ये भी निकल के आई थी कि चाइना से कुछ इंपोर्ट भारत में हुआ है, लेकिन वो इंपोर्ट इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा क्योंकि यदि भारत जीरे का या कोई भी एग्रो कमोडिटीज भारत से इंपोर्ट होती है तो उस पर ड्यूटी है और जीरे में ड्यूटी 30% से अधिक लग जाती है तो उसका भाव फिर वापरता नहीं है। और दूसरा आयात जब होता है कि आप इंपोर्ट करें और उसको दोबारा इंपोर्ट करके किसी दूसरे देशों में आप एक्सपोर्ट करें, वो भी अब इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें लगभग 25% का उसके भावों में इजाफा होना चाहिए और उसका टाइम फ्रेम भी 90 दिन का होता है। यानी आप यदि चाइना से जीरा मंगा लेते हैं सस्ते दामों में और दोबारा री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके दामों में 25% का फर्क होना चाहिए और 90 दिन के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारी परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं, इसमें इतना आसान नहीं है और जो इसमें कर गए हैं उनको तकलीफ भी हो सकती है। तो कुल मिला के जीरे का अब आने वाला जो समय है वो एक विचारणीय विषय हो गया है। और याद कीजिए हमने आपको लगातार 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जीरे पे लगातार अपडेट दिए हैं
जो कि सत्य साबित हुए हैं। हम जीरे पे आगे भी अपडेट देंगे। इसके अतिरिक्त आप आगामी 1 से 2 महीने में जीरे की क्या संभावना है उसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आगे हम चने पे बात करेंगे, दूसरी कमोडिटीज पे बात करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों नमस्कार, तिलन दलहन मसाला कपास गवार सीड सोना चांदी मेटल इन सभी के भाव निःशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन सरसों पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे ऊपर उपलब्ध है tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निःशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों चने के ऊपर जहां तक अपडेट आ रहा है, चने के ऊपर हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। चने के अंदर जो लगातार भाव चने के जो है, पिछले सप्ताह के दौरान 7 तारीख को जो चने के भाव दिल्ली में 5175 से 5200 थे और वो बढ़कर 13 तारीख को यानी फ्राइडे को 52225 से 52035 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। यानी लगभग चने के अंदर तेजी अच्छी शानदार बनी है। और यदि एवरेज प्राइस भी देखें तो बीकानेर के जो प्राइस है, जो कि सप्ताह की शुरुआत के अंदर लगभग 4875 थे, वो सप्ताह के खत्म होते यानी शुक्रवार को बीकानेर में 4950 के भाव रहे। यदि लातूर महाराष्ट्र मंडी की बात करें तो वहां पे जो 4800 रुपए के या 4900 रुपए के भाव थे वो 5000 और 5025 के भाव रहे। अकोला मंडियों के अंदर सोमवार को 5150 से 5175 के भाव थे, जो बढ़कर 5200 से 5225 हो गए हैं। साथ साथ यदि मुंबई में देखें तो ये चने के ऊपर, यद्यपि चने के का जो नाफेड के पास काफी अच्छा स्टॉक भी है और चने की इस बार पैदावार अच्छी बताई जा रही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि चने और काबुली चने दोनों की पैदावार को कंबाइंड करके सरकार के आंकड़े हैं। और हमारी गणनाओं के आधार पर और ग्राउंड सूत्रों के आधार पर जो हमसे हमारी सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक देसी चने की जो पैदावार है वो पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। दूसरा महत्वपूर्ण ये रहा कि नाफेड के पास चने का काफी अच्छा भंडार होने की वजह से और सरकारी पाबंदियों की वजह से चने से बड़े व्यापारी दूर हो रहे हैं और यही वजह है कि चने पे कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और लेकिन नाफेड की जो मूल्यां लगी हैं जो है वहां पे चने का जो भाव है वो आशातीत काफी अच्छा है। उसको देखते हुए आने वाले कुछ समय के अंदर चने के अंदर मजबूती जारी रहने की संभावना बन रही है। दूसरी ओर आगे जो महीना जो है वो सावन का भी आ रहा है, इसका चल रहा है और अगला भी महीना सावन का है और इस समय चने की डिमांड बढ़ भी जाती है, तो कुल मिला के चने के ऊपर मजबूती का रुख रहने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे तिलहन के ऊपर, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमय विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई, लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है
और हम लगातार इसका लाइव एग्जांपल अपने चैनल पर दे रहे हैं, चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। तिलहन पर सरसों भारत की एक प्रमुख फसल मानी जाती है और राजस्थान तो सरसों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि देश का लगभग 38% से अधिक पैदावार राजस्थान अकेले में होती है और उसके बाद बाकी स्टेट्स का नंबर आता है। सरसों के अंदर नाफेड ने लगभग 10 लाख टन की खरीदारी के समाचार मिल रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण बात कि नाफेड द्वारा सरसों की खरीदारी 15 जुलाई तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जहां तक सरसों के दाम के सवाल है, सरसों के दामों में अच्छी तेजी दर्ज हुई है। गौरतलब है, आपको याद होगा हमने जून महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास आपको खाद्य तेलों में तेजी का एक अग्रिम विश्लेषण दिया था कि संभावनाएं बन रही है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि खाद्य तेलों में अच्छी तेजी की संभावना बन रही है। चेक कीजिए, जून महीने के अब तक आपको खाद्य तेलों में शानदार तेजी बनी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में बहुत अधिक तेजी बनी लेकिन भारतीय बाजारों में उतनी तेजी नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी उसकी एक अच्छी तेजी देखी गई। सरसों के अंदर इस सप्ताह अच्छी तेजी दर्ज हुई और पूरे देश में सरसों, सरसों तेल और सरसों खल के अंदर एक अच्छी मूवमेंट बनी। यदि हम देखें 7 तारीख को जब सप्ताह शुरू हुआ था तो जयपुर के अंदर 42 कंटेंट के भाव लगभग 5500 से 5525 रुपए थे, जो कि 13 तारीख को ये 5625 से 5650 रुपए आ गए। साथ साथ यदि हम दिल्ली के अंदर भाव देखें, 5350 रुपए सरसों के भाव थे, वो बढ़कर 1400 रुपए हुए, 5400 रुपए हो गए 13 तारीख को। इसके बाद चरखी दादरी के अंदर देखें, 5150 के जो भाव 7 तारीख को थे सप्ताह की शुरुआत में, और 13 तारीख यानी फ्राइडे को ये 5325 के भाव हो गए, इसमें भी तेजी रही। साथ साथ यदि भरतपुर जो मंडी सरसों के लिए काफी मशहूर है, 5570 रुपए हुई और ये 5300 रुपए के भाव भी यदि हम देखें तो 3-4 दिन लगातार 5300 के भाव रहे। कोटा के अंदर 4700 से 150 रुपए के भाव जो 7 तारीख को थे, वो 4700 से 5150 के भाव रहे। कोटा के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देखा गया। आगरा मंडी के अंदर यदि हम देखें जो 5800 से 5975 के भाव थे, वहां पर सप्ताह बंद होते होते लगभग 5900 से 6000 के आसपास के भाव देखे। यूपी के अंदर हम देखें, यूपी के तो कुल मिला के यदि हम देखें कि भाव सरसों के इस सप्ताह मजबूत ही दर्ज हुए। अब हम सरसों तेल के ऊपर बात कर ले हैं कर लेते हैं। यदि बरवाला की हरियाणा की बात करें तो वहां से हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है और चरखी दादरी से जो 1010 का 7 तारीख को था, वो 13 तारीख यानी 13 जुलाई को 1040 रुपए हो गए, यानी लगभग 30 रुपए की तेजी दर्ज हुई। गंगानगर से जो की बात खबर आ रही है, कच्ची घानी 1030 से बढ़कर 1060 रुपए हुए और एक्सपेलर के भाव 1010 से 1040 रुपए हो गए। जयपुर राजस्थान से भी की जो है, कच्ची घानी के भाव 1044 से 1045 थे जो 7 तारीख को, वो बढ़कर 1075 से 1076 रुपए देखे गए। भरतपुर के अंदर कच्ची घानी 1060 से बढ़कर 1070 हो गए और बीच में ये 1080 भी थर्सडे करीबन बुध और बृहस्पतिवार को देखे गए थे। भरतपुर एक्सपेलर के भाव 1030 से ये बढ़कर 1060 हो गए थे और लेकिन फ्राइडे को ये 1040 पे बंद हुए। आगरा के अंदर 1090 के भाव थे और ये 1120 के बीच में सप्ताह में रहे और 1150 के भाव फ्राइडे को, यानी शानदार तेजी इसमें दर्ज भरतपुर यूपी में रहा। वेस्ट बंगाल के अंदर कच्ची घानी के भाव 1110 थे और ये इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं रहा, बीच में 5 रुपए की जरूर कुछ गिरावट थी लेकिन 1110 रुपए के भाव पे ही बंद हुए। सरसों खल की हम बात कर लेते हैं, सरसों खल के अंदर कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं नजर आया।
चरखी दादरी के अंदर 2510 के भाव थे और ये 2490 पे बंद हुआ, यानी 10 रुपए की गिरावट थी। यदि हम मुरैना को देखें तो वहां 2570 के भाव थे और ये 2570 पे ही बंद हुए। बीच में 20 रुपए की गिरावट जरूर रही थी 2550 की, लेकिन कुल मिला के सेम भाव पे रहे। गंगानगर के अंदर एवरेज 2325 के भाव थे और ये 2535 के भाव थे और ये 2515 के भाव रहे, और कुल मिला के 2515 से 1525 की कोई खास बड़ा फर्क नहीं हुआ, 10-1 रुपए का उतार चढ़ाव देखा गया। जयपुर के अंदर 2560 से 2565 के थे और ये इतने पे ही बंद हुआ 2565 से 2570, 5 रुपए की मामूली बढ़त के साथ। तो कुल मिला के सरसों के ऊपर हम देखें कि ये सप्ताह एक अच्छा सप्ताह माना जाना चाहिए, क्योंकि सरसों के भाव सुधरे, और चाहे आप तेल देखें या सरसों पे देखें, इसके भाव सुधर गए हैं। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे और चर्चा करेंगे, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, तिलन दलहन मसाला कपास गवार सीड सोना चांदी मेटल इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन सरसों पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे ऊपर उपलब्ध है, tushar.global.services.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tushar.global.services.com। आगे की हम आपको तिलहन पे ही हम समाचार लाए हैं। सबसे पहले हम सोयाबीन की बात करेंगे, सरसों के बाद सोयाबीन और फिर बाकी तिलहन की सोइंग की यानी बिजाई की विशेष रिपोर्ट जो आप तक हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम सोयाबीन की सोइंग एरिया की बात कर रहे हैं कि 14 जुलाई यानी कल तक की जो समाचार है वो ये है कि सोयाबीन की सोइंग यानी बिजाई में लगभग 13.90 लाख हेक्टर की कमी दर्ज हो रही है। यदि हम पिछले साल से तुलना करें तो सोयाबीन पिछले साल 14 जुलाई तक 93.6 लाख हेक्टेयर के बिजाई थे, जो घटकर इस बार 79.7 लाख हेक्टेयर में हुई है। लगभग 13.90 यानी करीबन 14 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की सोइंग इस बार कम है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र का रोल आ रहा है। बिहार के अंदर बिजाई अधिक है, महाराष्ट्र के अंदर भी अब जो काफी चेंज आ रहा है, क्योंकि पिछले साल जो 38.14 लाख हेक्टर में हुई थी जो इस बार घटकर मार्च 25.18 लाख हेक्टर रह गई है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है गुजरात के अंदर, थोड़ी सी सोइंग बड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी पिछले साल 38.65 लाख हेक्टर थी जो घटकर इस बार 37 लाख हेक्टर रह गई है। तो मामूली 1 लाख प्लस का यहाँ पे घटत है। दूसरी चीज जो कर्नाटक जो है, महाराष्ट्र और कर्नाटक पे हम सबसे ज्यादा नजर रख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में पिछले साल 3.7 लाख हेक्टर में थी जो घटकर 2.67 लाख हेक्टर रह गई है। राजस्थान ने काफी कुछ रिकवरी की है सोइंग के अंदर, जो पिछले साल 9.4 लाख हेक्टर में सोइंग सोयाबीन की बिजाई थी जो अब बढ़कर 10.83 लाख हेक्टर हो गया है। यदि हम पूरे देश में देखें तो राजस्थान सबसे आगे है, यहाँ पर 1.42 लाख हेक्टर सोयाबीन की बिजाई अधिक है। कुल मिला के बाकी स्टेट्स का भी देखें तो कुल मिला के नजर आ रहा है कि लगभग 13.90 यानी करीबन 14 लाख हेक्टर सोयाबीन की बिजाई कम नजर आ रही है, और 93.6 लाख हेक्टर के मुकाबले 79.7 यानी करीबन 79.7 लाख हेक्टर में ही हो पाई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, और ये निश्चित है कि अगले 10 दिन के अंदर और आगे रिपोर्ट आएगी, और उसके अंदर यदि महाराष्ट्र और कर्नाटक में रिकवरी नहीं हुई या MP के अंदर और अच्छी नहीं हुई तो फिर एक विचारणीय और चिंताजनक सवाल बन जाएगा। दोस्तों खरीफ के ऊपर ये साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून पर हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं, मानसून शुरू होने से पहले भी आपको अपडेट दिए हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल हमारे चैनल पे बने रहिए, हमेशा आपके लिए हम लोग बहुत वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम पूरी खरीफ की फसल को यदि हम देख लें, यदि तिलहन की, इसमें मूंगफली है,
सूरजमुखी है, शीशम है, कैस्टर है, सोयाबीन है या बाकी ऑयल सीड्स है, टोटल मिलाकर यदि हम देखें तो साल 2022 में 14 जुलाई तक 126.91 लाख हेक्टर में जो बिजाई थी, जो घटकर 113.75 लाख हेक्टर में रह गई है। और यदि हम लोग इसको गन्ने को भी शामिल कर लें तो गन्ना तो हम सबसे पहले तो मूंगफली की बात करते हैं। मूंगफली के अंदर थोड़ी सी बिजाई अधिक है क्योंकि गुजरात बाजी मार रहा है, 28.33 लाख हेक्टर के मुकाबले 28.72 लाख हेक्टर में मूंगफली की बिजाई है जो कि 0.036% अधिक है। सनफ्लावर के अंदर बात करें तो पिछले साल मतलब 2022 में 1.3 लाख हेक्टर में थी जो घटकर मात्र 0.4 लाख हेक्टर में रह गई है, तो मेजर सनफ्लावर की बुझाई इस बार कम है। शीशम यानी तिल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले तिल की बिजाई बढ़ गई है। नोट कीजिए, तिल की बिजाई बढ़ गई है, पिछले साल 14 जुलाई तक 3.41 लाख हेक्टर में थी जो बढ़कर इस बार 4.21 लाख हेक्टर हो गई है। इसमें एक लगा 0.71 लाख हेक्टर तिल की बिजाई में बढ़त है। दोस्तों पिछले साल तिल ने जबरदस्त कमाई करके दी थी, मूंगफली ने जबरदस्त कमाई करके दी थी, इसका लगातार अपडेट हमने दिया था। तिल और मूंगफली के व्यापारी आज तक याद करते हैं कि हमने आपको लगातार अपडेट कर दे कि हर तेजी की बात की थी। सोयाबीन की ऑलरेडी हम चर्चा करी चुके हैं और साथ साथ दो बार, तो कुल मिलाकर जो तिलहन की जो एक सम्मिलित खबर आ रही है, तिल और मूंगफली को छोड़ दें तो सोयाबीन और बाकी सोयाबीन है आपके, इसके अलावा शीशम है और ये जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं ये एक चिंता का कारण अवश्य बनाती है। दोस्तों आज हमने आपसे जीरे पर बात की है और अगले शो में हम आपके लिए हल्दी पर एक विशेष रिपोर्ट लेके आएंगे। याद रखिएगा, मसालों पर हमने आपको चाहे हल्दी हो, जीरा हो, लाल मिर्च हो, बड़ी इलायची हो, छोटी इलायची हो, मेथी हो, सौंफ हो, अजवाइन हो, इस पर लगातार अपडेट दिए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों तिलहन पर चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे पाम ऑयल हो, चाहे कैस्टर हो, इस पर जब भी हमने आपको अपडेट दिए हैं आपको पसंद आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है। यदि आप तेल, तिलहन, दालें, मसाले, कपास, इनकी विशेष अग्रिम रिपोर्ट चाहते हैं तो आप हमसे जरूर बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके भविष्य की बात करेंगे, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो भविष्य फल क्यों जरूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही तरह का काम करने वाले, एक ही आपके भाई बंधु, आपके जाति भाई, आपके पड़ोसी, आपके व्यापारी गण, आप 15-20 साल पहले कुछ और थे और आज कुछ और हो गए, काम तकरीबन एक सा है, कोई बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों उसके लिए मेरा यही कहना है कि कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जो कि कर्म और भाग्य जब दोनों का साथ होता है तो वो दो दूनी चार 16 16 16 169 की स्पीड से दौड़ते हैं। अब दोनों का यदि साथ नहीं होता है तो एक से दो बनने के लिए भी आदमी को परेशानियां हो जाती हैं। सिर्फ उतना ही कमा पाता है जितना उसको डेली आवश्यकता होती है और बीच में कोई ना कोई बीमारी शिमारी हो जाए, कोई व्यापार में घाटा लग जाए, कोई व्यापारी ने पैसा नहीं दिया या कुछ एक हो गया तो रात सवा साल 2-4 साल की कमाई बराबर हो जाती है। ये उन लोगों के साथ होता है जिसका भाग्य और कर्म दोनों साथ नहीं चलता। तो दोस्तों आज हम ले रहे हैं, मोहम्मद इकराम साहब का है, ये लखनऊ से हैं, ये मसाले के व्यापारी हैं, इन्होंने अपनी जन्म तारीख भेजी है। तो मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके महत्वपूर्ण ईयर निकली है 1975 का आपका जन्म है। तो मोहम्मद साहब आपका जो 1975 का जन्म है, आपकी जिंदगी के अंदर सन 87, सन 98 और 2011, ये 3 साल आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण ईयर रहे होंगे जो कि आपके व्यापार और व्यवसाय के अंदर तरक्की करवाई होगी आपको और आपने यहाँ पे तरक्की के नए सोपान लिए होंगे। लेकिन 2017 के अंदर आपको एक बड़ा मेजर सेटबैक लगने की उम्मीद है, वहां आपको परेशानी होगी, चाहे वह भागीदारी विघटन हो, चाहे व्यापार का डिवीजन हो, या पार्टनर से अनबन हो, या अपने
पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन हुआ, उससे व्यापार आपका छिन भिन हो गया था, परेशानी हो गई थी, जिसका खामियाजा आप अभी तक भुगत रहे हैं, या वो उसके बाद व्यापार चल ही नहीं पाया। तो दोस्तों, लेकिन मोहम्मद साहब, आपका जो अगला 1 से 1.5 महीना है, वो संभवतः आपके लिए कुछ नया लेके आ सकता है। आप घबराइए मत, आपके लिए कुछ नया अच्छा होने वाला है। दूसरा, मैं जन्म पत्र ले रहा हूँ, ये विवेक भान सिंह जी है मेरठ से। इनका काम शुगर केन का, गन्ने का है और शुगर का। तो विवेक भान जी, आपने सन 88 का आपने जन्म बताया है, तो विवेक जी आपका बहुत शानदार टाइम है। आपने सन 92-93 में भी बहुत अच्छा किया है, और मतलब जब आपकी एज कुछ नहीं होगी, लेकिन आपके परिवार में आपके जन्म के बाद काफी तरक्की हुई होगी, विशेष ध्यान रखें। साथ साथ 2000 के आसपास में भी आपका शानदार काम रहा होगा, आपका परिवार ने भी बहुत अच्छी तरक्की की होगी। अभी मौजूदा समय के अंदर आपका जो टाइम है बहुत ही शानदार है, बढ़िया है, आप आगे भी तरक्की करेंगे। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, कोई आपको आवश्यक नहीं है, आपकी जिंदगी अच्छी निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर होता है किसी बच्चे के जन्म के बाद व्यापार बढ़ने लगता है, और कभी होता है किसी का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद से वो बच्ची चली जाती है, तो उसका उस परिवार का व्यापार घटने लगता है। तो ये सब ग्रहों के खेल हैं दोस्तों, और लेकिन आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख के हमें भेजें, हम लकी ड्रॉ के जरिए 3 भाग्यशालियों का चयन करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।